हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ताली एक हाथ से नहीं, हमेशा दोनों हाथों से बजती है। ऐसे में जब शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गलती सिर्फ सामने वाले की है, कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की भी गलती होती है। अब हमारी ईशा देवल को ही ले लीजिए। पति से तलाक तो हुआ, पर कहा ना, अकेले सिर्फ भरत की गलती नहीं थी। ईशा ने भी कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि भरत को तलाक लेना पड़ा। तो क्या है ये वजह, जानिए यहाँ। आजकल बी टाउन की गलियारों में देवल फैमिली की बड़ी बेटी ईशा देवल के तलाक की बातों ने तूल पकड़ा हुआ है। पर अब एक पुराना वीडियो सामने आ रहा है जिसमें दोनों माँ बेटी यानी ईशा और हेमा कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गए हुए थे और वहाँ पर दोनों ने खोले थे कई राज, जिसमें से एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई है, जिसमें माना जा रहा है कि पति से ईशा फोन पर बात करते करते बोर हो जाती थी। तब ईशा अपने दोस्त को फोन थमा देती थी और फिर उनकी फ्रेंड ईशा बनकर भरत से घंटों बातें करते थे। पति की इसी हरकत से परेशान रहती थी ईशा। यही नहीं, हस्बैंड को कैसे सुधारे इस पर ईशा किताब भी लिखना चाहती थी। इस शो में हेमा मालिनी ने खुलासा किया था कि ईशा का अक्सर पति से झगड़ा होता था। हालांकि हेमा ने ये भी माना था कि ईशा को अपने पापा धर्मेंद्र की तरह काफी गुस्सा आता था। इन बातों का खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन बातों का खुलासा खुद हेमा मालिनी और ईशा देवल ने कपिल शर्मा के शो में किया था। आपको बता दें कि हेमा धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देवल अपने पति भरत से अलग हो गई है, जिसके चलते वो काफी समय से अपने माँ के साथ ही रह रही है। कपिल शर्मा के शो में बतौर गेस्ट आई ईशा और हेमा ने और भी कई सारी बातें शेयर की थी। दरअसल कुछ समय पहले ईशा और हेमा कपिल शर्मा के शो में अपने एक फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों आए थे, जहां पर उन्होंने अपने परिवार से जुड़े कई बातों को सामने रखा था। तभी ईशा ने खुलासा किया था कि कैसे वो भरत से बातें करते हुए ऊब जाती थी और अपना फोन अपने फ्रेंड को थमा देती थी। ईशा का कहना था कि जब वो और भरत रिलेशन में थे और उस समय भी वो भरत से बात करते करते अपना फोन फ्रेंड को थमा देती थी, जिसकी आवाज बिल्कुल ईशा जैसी थी। आपको बता दें, ईशा को फोन पर लंबी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही इसी शो में भरत को लेकर कई और आदतों पर भी चर्चा हुई थी। इस बीच हेमा ने भी खोल दिए थे ईशा और भरत के कई राज, जिसमें ये बात भी सामने निकल कर आई कि ईशा को अपने पापा धर्मेंद्र के जैसे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही भरत का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईशा बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने कहा, मैं भी हूँ पर ईशा ज्यादा है, जिसके जवाब में ईशा ने कहा था, आंख निकाल दूंगी। हालांकि वो मजाक में था, पर था जोरदार। फिलहाल तो इनके अलग होने की वजह कुछ और है, जिसमें माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है, जिसकी वजह से इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।